और पूनम आंखें थी मेरी भी उस टाइम तो। अदाबे मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। सबसे खफा क्यों हूँ आखिर मेरे यार, माँ भी ख्वाब में आकर मुझको मनाती है। अदाबे मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। आज हमारे साथ मौजूद है अफसाना नगार और अफसाना की दुनिया के बेताज बादशाह, जिनका ताल्लुक शहीदों गाजियों की सरजमीन गुजर खान से। बेताज ना नहीं सर, आप बेताज बादशाह हैं। चूँकि इनके हवाले से बड़ा मशहूर ये है कि ये बैठे बैठे किसी शख्स के ऊपर गज़ल लिख सकते हैं, ये अफसाना लिख सकते हैं, ये कालम लिख सकते हैं, ये एक अच्छे राइटर भी हैं, मुफक्किर और तबसरीन भी हैं, ये तबसरा भी करने में बड़े माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान हम लोग सब आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब आपका ताल्लुक गुजर खान से है, उसमें कोई शक नहीं है। गुजर खान की जो मट्टी है बड़ी जरहेज है, इसने अफसाना नगारों को भी जन्म दिया, इसने कालम नगारों को भी जन्म दिया, इसने इस मट्टी का कर्ज उतारने के लिए पोटोहारी ज़ुबान के फ़रोग के लोगों को भी जन्म दिया, इसने शहीदों और गाजियों को भी जन्म दिया, इसने वज़रा आज़म पैदा किए, इसने जर्नलिस्ट पैदा किए, इसने जजेस पैदा किए, इसने इस्टेबलिशमेंट के अंदर लोगों वो भी लोग यहाँ से पैदा हुए। सुना है कि आप अफसाना लिख लेते हैं, आप जो है वो कालम लिख लेते हैं, आप शायरी लिख लेते हैं किसी शख्स को देख के, किसी सोसाइटी को देख के। सुना है कि अवैस के ऊपर आपने कालम लिखा, सॉरी अफसाना लिखा, वो ज़रा शायरी अपनी ज़रा पढ़ के सुनाइए। अफसाना तो नहीं लिखा, अवैस पे अवैस पर गज़ल लिखी थी, अवैस के जज्बात पर एक गज़ल लिखी थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को, गुजर खान के नाज़रीन को, आप वो गज़ल सुनाइएगा ताकि हम दिखा सकें कि ऑन कैमरा तो हम दिखाते रहते हैं बहुत कुछ, लेकिन ऑफ कैमरा पर भी बेशुमार लोग हैं जिन्हें हम ऑन नहीं कर सके, तो हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। तो अवैस पर जो गज़ल लिखी है वो आपको सुनाता हूँ कि उसकी खुशबू अब भी मुझ में समाती है। आहा वाह, उसकी खुशबू अब भी मुझ में समाती है, याद जब आए उसकी मुझको रुलाती है। हाय हाय हाय, याद जब आए उसकी मुझको रुलाती है, सबसे खफा क्यों हूँ मैं आखिर मेरे यार, सबसे खफा क्यों हूँ आखिर मेरे यार, माँ भी ख्वाब में आकर मुझको मनाती है। क्या सबसे खफा क्यों हूँ मैं आखिर मेरे यार, माँ भी ख्वाब में आकर मुझको मनाती है, जब तू मुझको छोड़ के दूर जा चुकी है, जब तू मुझको छोड़ के दूर जा चुकी है, ज़िंदगी क्यों तेरे साथ के ख्वाब दिखाती है। हाय हाय हाय, जब तू मुझको छोड़ के दूर जा चुकी है, ज़िंदगी क्यों तेरे साथ के ख्वाब दिखाती है, मेरे घर में जब भी शाम उतरती तो नरगसी आँखें और उसकी जुल्फ सताती है। वाह, और हाफिज बात इस पर तू गज़ल ख़त्म कर दे, हाफिज बात इस पर तू गज़ल ख़त्म कर दे, तेरा जिस्म माती याद उसकी हयाती है। हाय हाय, तेरा जिस्म माती याद उसकी हयाती है, उसकी खुशबू अब भी मुझ में समाती है। वाह साहब, बड़ी शानदार और दर्द बड़ी अल्फाज के अंदर ही गज़ल लिखी, और इस गज़ल के ऊपर मेरे पास आज शायद वो अल्फाज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ये अवैस साहब भी, इनसे भी बात करते हैं। अवैस साहब, ये इन्होंने गज़ल जो लिखी है ये आपको डेडिकेट की है, वो कहते हैं कि सामने बैठ के इन्होंने गज़ल लिखती थी, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे लिखी है आपने, क्या बात हो रही थी उस वक्त, क्या लम्हा था, क्या पोजीशन थी, तासरात क्या थे आपके जब आपने ये गज़ल सुनी, इस हवाले से थोड़ा सा वो लम्हा बताइएगा। बहुत शुक्रिया शज़ेब भाई। तो हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। तो ये हमारे अजीज़ हैं हाफिज़ साहब, इनके साथ हमारा बहुत ही मतलब समझ लेके उठना बैठना हुआ करता था। आए दिन ऑफिस की से ड्यूटी ऑफ करने के बाद हम रोज़ घंटा दो घंटे बैठा करते थे। तो ये बात उस टाइम की है कि मेरी शादी होने वाली थी, तो कुछ टाइम मतलब रहता था समझ लिया आप महीना डेढ़। शादी भी कर ली आपने? हाँ शादी कर ली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, उसके बाद फिर नहीं, असल में उस टाइम आपके साथ इतनी हमारी बैठक वगैरह नहीं होती थी। चले तो, इंशाल्लाह अगली शादी पर से इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है ना हाफिज़ साहब हमारे साथ बैठा करते थे, फिर मैंने तो बस उन दिनों फिर हाफिज़ साहब ने मेरे पे ये गज़ल लिखी, मैं सामने बैठा हुआ था, मेरी आंखों में नमी थी, मुझे आज भी वो मतलब याद है वो
मामला। तो आफत साहब ने मेरे सामने बैठे हुए थे और हमारा ये जो मुकाम था वो मध्य क्या कहते हैं उसे होटल था, शाह मदीना होटल, तो वहाँ पे हम बैठे हुए थे। उन्होंने हम फिर सुनाई और पूर्णम आंखें थी मेरी भी उस टाइम। तो आफत साहब की मोहब्बतों का शुक्रिया। तो मुझे एक लाइन याद है, पूरा शेर तो याद नहीं है लेकिन लाइन एक याद है कि शायर ने कहा था, दुख तो तब होता है जब लोग वाह वाह कहते हैं। तो आफत साहब वंस अगेन आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आफत साहब आपका बेहद शुक्रिया, अवैध साहब आपका भी। नाज़रीन ये थे हमारे साथ आफत साहब, इन्होंने अपनी गज़ल जो है वो सुनाई और अवैध साहब ने इस गज़ल के ऊपर रिव्यू भी किया। वो तमाम तर लम्हा, वो जज्बात, वो पुरना आँखें, उसके एहसास, उसके लम्हात, वो पोजिशन, वो वक्त, वो एहसास, हर चीज़ लम्हा ब लम्हा और एक एक करके टू दी पॉइंट आपके साथ शेयर की। आप क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश होती रहेगी कि एक दिन छोड़ के या डेली बेसिस पर आफत साहब की कोई ना कोई गज़ल, कोई ना कोई नज़म, कोई ना कोई अफसाना वो आपके साथ इसी वीलॉग के ज़रिए शेयर करते रहें। आप इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।